हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रिका आदम। स्टूडेंट्स, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमारा 7th चैप्टर रॉबिन हुड एंड आउटलॉ कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए वाला, उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस करना है, मींस जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं और मैं करेक्ट वाले पर टिक करेंगे। फर्स्ट है रॉबिन हुड लिव्ड इन इंग्लैंड, तो यह स्टोरी हमने कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी, तो इसमें हम बी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। सेकंड है द शेरिफ ऑफ नॉटिंगहम, द शेरिफ ऑफ नॉटिंगहम वाज वन ऑफ द विग्ड मैन, तो वह कैसा था, जड़ बुद्धि था, सट बुद्धि था। विग्ड मीन्स सट बुद्धि होना या सट होना, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, ए वाला ऑप्शन फिल कर देंगे। विग्ड, विग्ड मैन बहुत ही हिंसक था। थर्ड वाला है द डियर वॉज आ लॉन्ग वॉज ऑफ, तो जो डियर था, हिरण था, वो बहुत ही दूर था, दूर जो रॉबिन था उससे बहुत ही दूर था, इसलिए यहाँ पर हमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट कर देना है। ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बी नंबर पर फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है द शेरिफ ऑफ नॉटिंगहम, इसमें आप नॉटिंगहम कर देंगे क्योंकि कहाँ का था, चीफ जो होता है, मुख्य होता है, उसे शेरिफ कहते हैं, तो नॉटिंगहम का शेरिफ था, प्रमुख था। वॉज वन ऑफ द विकेट मैन, तो वह बहुत ही शट बुद्धि इंसान था, विकेट मैन था, तो इसमें आप विक्ड कर देंगे। नेक्स्ट है सेकंड वाला द डियर वॉज आ लॉन्ग वे ऑफ, जो डियर था, हिरन था, वह बहुत ही दूर स्थित था, तो इसमें डियर कर देंगे। थर्ड वाला है He escaped into the forest, तो वह कहाँ पर भाग निकला था, फॉरेस्ट में भाग निकला था, तो इसमें आप फॉरेस्ट फिल कर देंगे। They lived together in the forest, वह सभी साथ साथ मिलकर जो poor लोग थे, suffered injustice, जो भी अन्याय सहकर आए थे, उन सभी को उसने इकट्ठा करके, और वह सभी कहाँ रहने लगे थे, फॉरेस्ट में रहने लगे थे। टुगेदर मीन्स साथ साथ, तो यहाँ पर आप टुगेदर कर देंगे। फिफ्थ नंबर का है दे नेवर हर्ट द पुअर और बीक, वे सभी क्या करते थे, पुअर और बीक लोगों को हर्ट नहीं करते थे। नेवर हर्ट द पुअर और बीक, तो जो कमज़ोर और गरीब लोग थे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे। एंड वर ऑलवेज जेंटल टू वुमेन, और जो महिलाएं होती हैं उनके साथ हमेशा जेंटली पेश आते थे। जेंटली मीन सज्जनता से, बहुत ही अच्छे आदर्शों में वह सभी महिलाओं से बिहेव करते थे, तो इसमें आपको पुअर और वीक फिल कर देना है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स, तो हमें इन्हें मैचिंग्स करनी है। मैचिंग्स है सी नंबर पर 38 पेज नंबर पर ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट है पुअर, पुअर का मैच करेंगे प्यूपल से, तो इसे प्यूपल कर देंगे। पुअर को मैच किससे करना है, प्यूपल से, ये हमारा फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है प्यूपल, फर्स्ट को फोर्थ से। शेयरबूट को फिफ्थ नंबर पर जो लिखा हुआ है फॉरेस्ट, क्योंकि शेयरबूट क्या था, फॉरेस्ट था, तो इसमें फॉरेस्ट को मैच कर देंगे सेकंड वाले को फिफ्थ से। गेम कीपर होता है, मींस जो शिकारी होते हैं उसे गेम कीपर कहा जाता है, तो कीपर जो फर्स्ट है थर्ड वाले को फर्स्ट से मैच कर देंगे, फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है। शूट, शूट को हम स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा सीधा शूट कर देना, तो उसको जो धमकी दी गई थी रॉबिन को कि हम तुम्हें सीधा सीधा शूट कर देंगे, तो शूट स्ट्रेट, यहाँ पर आप स्ट्रेट से शूट को मैच कर देंगे। सिक्स
सीलिंग्स, तो 6 सीलिंग्स थी उसके पास, 6 सीलिंग्स से हाफ सेकंड वाले को मैच कर देंगे, फिफ्थ से फिफ्थ वाले को हम सेकंड पे जो लिखा हुआ है सीलिंग्स से मैच कर देंगे। ये आपकी मैचिंग्स हो गई। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, उन्हें हम लास्ट में करेंगे। फर्स्ट हमें कुछ ग्रामर दी हुई है, राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, तो हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं हमें। तो फर्स्ट है लार्ज, लार्ज का थिन, लार्ज मीन्स बहुत बड़ा और थिन मीन्स छोटा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट है इसका अपोजिट है अगली, अगली मीन्स बदसूरत या अच्छा ना दिखने वाला। मैनी, मैनी यानी बहुत ज़्यादा। फ्यू मीन्स बिल्कुल कम, बहुत ही कम। यंग, यंग मीन्स युवा या छोटा सा बच्चा। ओल्ड मीन्स बुज़ुर्ग या वृद्ध। नेक्स्ट है अनयूजुअल मीन्स जिसका यूज़ ना कर सकें, अनयूजुअल अनुपयोगी हो जाएगा इसका अर्थ मीनिंग। और इसका हम अपोजिट लिखेंगे यूजुअल मीन्स यूजफुल। लेट का ईयरली, लेट मीन्स देरी करना, ईयरली मीन्स बहुत जल्दी में, बहुत जल्दी जल्दी वर्क करना, तो ईयरली हो जाएगा लेट का। नेक्स्ट है गिव द सिनोनिम्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स का हमें क्या करना है, सिनोनिम्स देने हैं, बताने हैं। पुअर का सिनोनिम हो जाएगा, पुअर मीन्स गरीब, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफिशियंट, डिफिशियंट मीन्स भी गरीब होता है। डाउन का, डाउन मीन्स नीचे, इन मीन्स भी नीचे होता है। प्राइड मीन्स होता है किसी पर भी गर्व करना, प्राइड मीन्स गर्व करना, तो प्लीजर मीन्स भी गर्व करना होता है, प्रशंसा करना। वे मीन्स मेथड, बी मीन्स तरीका किसी भी कार्य करने का, तो इसमें हम मेथड कर देंगे। कंपनियन मीन्स जो पार्टनर होते हैं, कंपनियन जो भी हमें कंपनी दे उसको कंपनियन कहते हैं, तो इसमें पार्टनर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, फ्रेंड को भी कंपनियन बोल सकते हैं, तो इसमें आप फ्रेंड का भी सिनोनिम कंपनियन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है हाउ वॉज लाइफ इन इंग्लैंड इन द टाइम ऑफ रॉबिन हुड, तो रॉबिन हुड के टाइम पर जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड का जीवन कैसा था, इंग्लैंड में जीवन कैसा था, तो ये हमें आंसर करना है। इसका आंसर देखेंगे, रॉबिन हुड लिव्ड इन द टाइम व्हेन लाइफ वॉज वेरी हार्ड फॉर पुअर पीपल इन इंग्लैंड, तो जब रॉबिन हुड का टाइम था, समय था, उस समय कैसा था इंग्लैंड में, जो गरीब लोग थे उनके लिए बहुत ही कठिन समय था, बहुत ही कठोरता से जीवन जीते थे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा रॉबिन हुड लिव्ड इन द टाइम व्हेन लाइफ वॉज वेरी हार्ड फॉर पुअर पीपल इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है सेकेंड वाला, वाई डिड रॉबिन्स मदर डाई, तो जो रॉबिन्स की माँ थी वो कैसे मरी थी, वाई डिड रॉबिन्स मदर डाइड, रॉबिन्स मदर डाइड ऑफ ग्रीफ मीन्स वह शोक में, जो उसके फादर थे उनके शोक में वह मर गई थी, उनका जो बहुत ही सदमा लगा था उन्हें, ग्रीफ मीन्स सदमा या शोक, ओके, तो वो सदमे से मर गई थी। थर्ड वाला है व्हाट डिड रॉबिन ग्रो अप टू बी, तो जो रॉबिन है वो कैसे बड़ा हुआ था, कैसे बड़ा वह ग्रो अप कैसे हुआ था, तो इसका आंसर देखेंगे, रॉबिन ग्रो अप टू बी आ फाइन बॉय, वह बहुत ही अच्छा, फाइन मीन्स अच्छा, अच्छे लड़के के रूप में बड़ा हुआ, एंड अ वेरी फाइन शॉर्ट विथ हिज वोव एंड एरोस, और वह अपने जो धनुष बाण थे उनके साथ बहुत ही कैसा था, खुश था, फाइन था, फाइन शॉर्ट उनका बहुत अच्छे से यूज़ करना जानता था। फोर्थ नंबर का है व्हाई डिड रॉबिन वेट विथ द स्टैंगर्स इन द फॉरेस्ट, तो स्टैंगर्स जो उसे मिले थे, जो डाकू थे, उनसे उसने सर्द, उनसे दांव क्यों लगाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा
रॉबिन बैट विथ द स्ट्रैंगर्स इन द फॉरेस्ट फोर टेक बैक है सिक्स सिलिंग्स। तो वह अपनी जो प्राइस थी सिक्स सिलिंग्स उसको वापस लेना चाहता था, जो कि उसने अपने बचाव में उनको दे दिए थे, और उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि हम शर्त लगाते हैं या फिर दांव लगाते हैं कि अगर मैं इस जो हिरण है डियर है उसको मार देता हूँ तो आप मुझे ये मेरे जो सिलिंग्स हैं वो वापस कर देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड रॉबिन डिसाइडेड टू लिव आउटसाइड द लॉ। तो उसने क्यों डिसाइड किया था कि वह जो नियम हैं लॉ हैं उनके अगेंस्ट रहेगा, आउटसाइड मीन्स क्या होता है, जो उनको फॉलो ना करे, जो नियम हैं उनको फॉलो ना करने का क्यों डिसाइड किया। तो इसका आंसर देखेंगे, इफ़ द लॉ वॉज सो मीन, तो ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी हों, सो मीन हों एंड अनजस्ट, और कैसे हों, अन्यायपूर्वक हों, जिनका जस्टिफिकेशन ना हुआ हो, अनजस्ट, रॉबिन डिसाइडेड दैट ही वुड लिव आउटसाइड द लॉ, और इसलिए वह उसने डिसाइड किया कि वह नियमों के विरुद्ध जीवन जिएगा रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, इनके आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है और देन उसके बाद आपको ये लर्न भी करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।